नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को एक एक्सीडेंट दिखाया था, जिसमें मेन रोड पर चल रही एक्सयूवी 7Oo और पास के एक लोकल रोड से निकलकर मेन रोड पर आ रहे बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई थी। आज फिर से बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक और एक्सीडेंट मेरे पास आया है, जो फोर्ड इकोस्पोर्ट और महिंद्रा एक्सयूवी 7Oo के बीच हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश से मिस्टर अभिषेक सिंह जी ने मुझसे फेसबुक पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एकोस्पोर्ट बबतपुर वाराणसी हाईवे से होकर बिल्कुल सीधा जा रही थी, तभी एक कट पर पास के लोकल रोड से एक्सयूवी 7Oo निकल कर हाईवे पर एंटर करने लगी और अनफॉर्चुनेटली दोनों की आपस में टक्कर हो गई। यह टक्कर थोड़ा ज्यादा ही जबरदस्त हुआ। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं दोनों गाड़ियों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि एक्सयूवी में थोड़ा ज्यादा ही नुकसान आया है। तेज इंपैक्ट की वजह से इसका लेफ्ट साइड अंदर घुस गया और बोनट, बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह सब कुछ डैमेज हो गया। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो इकोस्पोर्ट के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो जाने की वजह से सारे ही लोग सेफली बाहर आ गए, जबकि एक्सयूवी का एक भी एयरबैग नहीं ओपन हुआ। हालांकि फिर भी अंदर बैठे पैसेंजर्स सेफ हैं, किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर बताया गया है कि इकोस्पोर्ट की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए वो शायद टाइमली कंट्रोल नहीं हुई। तो भाई ऐसी गलती मत करें। हाईवे के कट पर हमेशा अपने गाड़ी की स्पीड आधे से भी कम कर लें, खासकर तब जब कोई कार एंटर करने की कोशिश कर रही हो। इसके अलावा लोकल रोड से हाईवे पर एंटर करते समय ये ध्यान रखें कि पहली प्रायोरिटी सीधा यानी मेन रोड पर चल रहे गाड़ियों को दें, क्योंकि उनकी स्पीड आपसे कहीं ज्यादा होती है। खैर, कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि सभी लोग सेफ हैं और एक छोटी एसयूवी होने के बावजूद इकोस्पोर्ट का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।